हेलो कॉमर्स के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे मुद्रा की मांग व मुद्रा की पूर्ति के बारे में। मुद्रा, पैसा, इसकी मांग क्यों की जाती है, किन कारणों से लोगों को पैसे की आवश्यकता होती है और उनकी पैसों की इस आवश्यकता को कैसे पूरा किया जाता है, पूर्ति मतलब उसकी भरपाई, या कैसे लोगों को पैसा दिया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मांग कि मुद्रा की मांग, पैसों की आवश्यकता किन कारणों से व्यक्तियों को होती है। तो पहले बताया गया है सौदे के निमित्त। अब इसका क्या अर्थ है, ये तो इसकी डिटेल से पता चलेगा। तो पढ़ेंगे सौदे के निमित्त का आशय दैनदिनी मतलब दैनिक कार्य, ठीक है, जिन्हें दैनदिनी बोला जाता है, व्यवहारों के लिए मुद्रा की मांग से हमारे दैनिक आवश्यकताओं, दैनिक खर्चों के लिए होती है मुद्रा की आवश्यकता। उपभोक्तागण मुद्रा इसलिए चाहते हैं कि वे अपने घरेलू व्यय की पूर्ति उसकी सहायता से कर सके। व्यापारी वर्ग मुद्रा इसलिए चाहता है कि वे अपने व्यवसाय का संचालन मुद्रा की सहायता से कर सके। अतः सौदे का निमित्त मुद्रा की मांग से संबंध रखता है, चाहे व्यक्ति हो या व्यापारिक फर्म हो। वो बोल रहा है सौदे के निमित्त मतलब मुद्रा की मांग क्यों कर रहा है हर एक व्यक्ति, उसकी आवश्यकता के लिए मुद्रा की मांग कर रहा है। किसी को अपने दैनिक खर्चे के लिए आवश्यकता है मुद्रा की, किसी को अपना व्यवसाय चलाने के लिए आवश्यकता है, किसी को अपने पढ़ाई के लिए, किसी को अपने इलाज के लिए, किसी को अपने शादी के लिए, हर एक व्यक्ति को अलग अलग कार्यों के लिए पैसे की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब आवश्यकता तो सबको है पैसे की। सेकंड है सावधानी के निमित्त। सावधानी के निमित्त कुछ व्यक्ति अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए भी क्या करता है, पैसे को संचय करके रखता है या पैसे की मांग करता है। सावधानी के निमित्त का आशय लोग नगद कोष या नगद शेष भविष्य की अप्रत्याशित या आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए रखते हैं। कभी भी कोई भी आकस्मिक घटना घटित हो जाती है तो हमारे पास पैसा होता है तो हम उस घटना को टाल सकते हैं, उससे बच सकते हैं। अप्रत्याशित जोखिम या घटनाओं का सामना करने के लिए बीमारी, दुर्घटना आदि मुद्रा की मांग रहती है। इस निमित्त कितनी मुद्रा रखी जाए यह व्यक्ति की प्रकृति तथा उसके रहने की दशा पर निर्भर करेगी। सेकंड पॉइंट बता रहा है सावधानी के निमित्त के, हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ को हमेशा क्या करना चाहता है, सिक्योर रखना चाहता है, सुरक्षित रखना चाहता है, और अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए वह पैसों की व्यवस्था करता है। कभी भी बीमार हो जाए, कभी कोई दुर्घटना घटित हो जाए, और इनके अलावा शादी के लिए या अपने अच्छे भविष्य के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, सबके लिए पैसों की हर एक व्यक्ति को आवश्यकता होती है। तो कुछ व्यक्ति भविष्य के लिए या सावधानी के निमित्त मतलब अपने भविष्य के लिए या कुछ बातों को सोच के रखता है, इसलिए उसे पैसों की आवश्यकता होती है। फिर है सट्टे के निमित्त। सट्टे के निमित्त का आशय यह है कि लोग अपना धन प्रतिभूतियों के रूप में या बॉन्ड्स के रूप में अथवा नगद शेष के रूप में रखना चाहते हैं। प्रतिभूतियां अथवा बॉन्ड्स के रूप में या नगद शेष के रूप में मुद्रा की राशि भविष्य में प्रतिभूतियां अथवा बॉन्ड्स के पूंजीगत मूल्य में होने वाले परिवर्तन पर ब्याज की दर में परिवर्तन की अपेक्षाओं पर निर्भर करेगी। सट्टे के निमित्त मतलब कि एक प्रकार के अंश, प्रतिभूति, सब सट्टा बाजार ही होता है। इसमें क्या होता है, जैसे आज हम 10 रुपये का अंश खरीदते हैं, अब उस अंश की कल कीमत 15 रुपये हो जाती है तो हमें 5 रुपए का फायदा होता है। वहीं इसमें नुकसान भी होता है, 10 रुपए का अंश हो सकता है आपका 8 रुपए में बिके तो 2 रुपए का आपको नुकसान हो गया। तो व्यक्ति क्या करता है, कुछ सट्टे के निमित्त मतलब अपने पैसे को और बढ़ाने के लिए कुछ बॉन्ड्स प्रतिभूतियों के माध्यम से भी क्या करता है, पैसों की मांग करता है इसमें पैसा लगाने के लिए। ठीक है, तो यहां हमने मुद्रा की मांग पढ़ ली है कि लोगों को मुद्रा की मांग किन किन कारणों से हो रही है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, भविष्य के लिए, ठीक है, सब प्रकार से लोगों को आवश्यकता है। तो अब इनकी पूर्ति को कौन करता है, इनको पैसा कौन देता है, तो भारत सरकार, केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक तथा व्यापारिक बैंक मुद्रा की पूर्ति करने वाले हैं। देश में जितनी भी वित्तीय संस्थाएं, जितने भी बैंक, ये सब क्या करते हैं, हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में पैसों की पूर्ति करते हैं, लोगों तक पैसा पहुंचाते हैं विभिन्न तरीके से, ऋण के माध्यम से पैसा उपलब्ध करवाते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो फर्स्ट पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक देश के केंद्रीय बैंक के नाते मुद्रा पूर्ति करने वाली प्रमुख संस्था है। केंद्रीय बैंक, है ना, जिसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं, ठीक है, रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक दोनों का एक ही नाम है। तो यह क्या करता है, सबसे बड़ा बैंक है, यही पैसों के, यही नोटों का निर्गमन करता है, नोट छपाई का अधिकार रिजर्व बैंक को दिया गया है।
यह न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के अंतर्गत नोट निर्गमन का कार्य करता है। 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम संचय सोने या विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में रखकर नोट निर्गमन का कार्य किया जाता है। नोट छपाई ऐसे ही नहीं हो जाती, कैसे होती है? 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम संचय सोने या विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में रखकर नोट निर्गमन होता है, नोटों की छपाई होती है। इस संचय में सोने की मात्रा कम से कम 115 करोड़ रुपए की होनी आवश्यक है। सेकंड पढ़ेंगे, व्यापारिक बैंकों को नोट निर्गमन का या सिक्के जारी करने का अधिकार नहीं है। हमारे देश में भारत सरकार जो है उससे सिक्कों का अधिकार है, 1 रुपए के नोट की छपाई का अधिकार है, जबकि नोटों का अधिकार रिजर्व बैंक को दिया गया है। किंतु ये बैंक मुद्रा की पूर्ति करने वाले इस अर्थ में कहे जा सकते हैं कि वे मांग निषेध स्वीकार करते हैं। उन्हें इसका एक भाग भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद संचय के रूप में रखना पड़ता है। इस नगद संचय के आधार पर ये बैंक मांग निषेध का सृजन करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं कि आज प्राइवेट संस्थाएं भी होती हैं लोन देने के लिए, तो उनको एक अपना एक बहुत बड़ा भाग रिजर्व बैंक या बैंकों के पास रखना होता है, जिससे बैंक ये विश्वास कर सके कि दूसरे व्यक्तियों को पैसा दे रहा है तो ये ये हमारे साथ चीटिंग ना करे। जिससे जो प्राइवेट बैंक होती है ये लोगों से पैसा जमा तो कर लेती है, कुछ को पैसा दे देती है, और जब बहुत सारा पैसा हो जाता है तो ये क्या करती है, फ्रॉड निकल जाती है। तो क्या होता है कि जो व्यापारिक बैंक है इन्हें नोट निर्गमन का एकाधिकार तो नहीं है, ठीक है, नोट निर्गमन का अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन इन्हें लोगों को उधार देने का या उनकी बचत जमा करने का अधिकार दिया गया है। मांग निक्षेप प्राय नगद संचय की राशि से अधिक होते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी जाती है। ऐसे संचय वास्तव में मुद्रा की पूर्ति का ही कार्य करते हैं, क्योंकि यह चेक योग निक्षेप है। निक्षेप मतलब जमा, अर्थात चेक लिखकर राशि का आहरण हो सकता है। एक बार फिर हम देखेंगे, व्यापारिक बैंकों को नोट निर्गमन का या सिक्के जारी करने का अधिकार नहीं है। भारत सरकार को सिक्के जारी करने का 1 रुपए के नोट का अधिकार है, बाकी सभी का अधिकार किसको है, रिजर्व बैंक का। किंतु ये बैंक मुद्रा की पूर्ति करने वाले इस अर्थ में कहे जा सकते हैं, एक तो रिजर्व बैंक पैसों की उपलब्धि दे रही है, दूसरा व्यापारिक बैंक पैसा नहीं छापता लेकिन पैसा उपलब्ध कराता है। वे मांग निक्षेप स्वीकार करते हैं, उन्हें इसका एक भाग भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद संचय के रूप में रखना पड़ता है। इस नगद संचय के आधार पर ये बैंक मांग निक्षेप का सृजन करते हैं, मतलब लोगों की जमा को भी, लोगों की बचत को जमा भी करते हैं, लोगों की मांग को पूरा भी करते हैं। मांग निक्षेप प्राय नगद संचय की राशि से अधिक होते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी जाती है। मतलब कि जितना ये लोगों को पैसा देता है व्यापारिक बैंक, उससे ज़्यादा पैसा इसे रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। ऐसे संचय वास्तव में मुद्रा की पूर्ति का कार्य करते हैं, क्योंकि ये चेक योग निक्षेप है, अर्थात चेक लिखकर राशि का आहरण हो सकता है। आहरण मतलब पैसे को निकाला जा सकता है। हम व्यापारिक बैंक में चेक के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं, और आज बहुत आसान हो गया, हर एक व्यक्ति को चेक डायरी मिलती है, आज नोट गिनने की समस्या का समाधान हो गया है। हर एक व्यक्ति चेक पे जितना पैसा सामने वाले को देना है उतनी अमाउंट लिखकर, अपने सिग्नेचर लिखकर चेक दे सकता है, चेक साइन कर सकता है। एंड लास्ट है इसमें, सरकार देश में मुद्रा पूर्ति का तीसरा स्रोत है। सरकार जो है देश में मुद्रा की पूर्ति करने का तीसरा स्रोत है। भारत में वित्त मंत्रालय 1 रुपए के नोट तथा सिक्कों का निर्गमन करता है। सिक्के भिन्न भिन्न मूल्य के होते हैं। वित्त मंत्रालय मतलब वही भारत सरकार, जो क्या करती है, 1 रुपए के नोट और सिक्के का अधिकार उसे दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुद्रा की मांग किनके द्वारा की जाती है, किस वजह से की जाती है, और इसकी पूर्ति किसके माध्यम से की जाती है, आया समझ में? अब अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना डाउट दूर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।